सेवा जोहार दोस्तों, मैं राहुल गन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप जानते हो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। दोस्तों सीधा टॉपिक पर बात करते हैं। हमारा जो विषय है वो गोंडी अध्ययन को लेकर है, और ऐसा नहीं है कि गोंडी सिखाने वाले बहुत कम है। ऐसा भी नहीं है कि गोंडी आपको कहीं पे भी नहीं मिलती। बहुत सारी जगह बोली जाती है, बहुत सारी जगह सिखाई जाती है, लेकिन हम सीखते क्यों नहीं, ये बड़ा सबसे बड़ा सवाल है। इसका एक मुख्य कारण है, ये मुख्य कारण ये है कि हमें उस तरीके से बताया नहीं जाता जिस तरीके से हम सीखना चाहते हैं। अगर कोई आदमी बड़ा किताब लाके रख दे और गोंडी सीखो ऐसे बोले तो आप नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आपको उसकी जो इंटरेस्टिंग बातें हैं वो आपको पता नहीं है। अंग्रेजी हम मेरे ख्याल से बचपन से, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर पूरे ग्रेजुएशन तक अंग्रेजी ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, फिर भी हम लोगों ने अंग्रेजी नहीं सीखी। इसका अर्थ यह है कि हम में वो इंटरेस्ट नहीं है सीखने का। जब हम ये इंटरेस्ट लाने लगेंगे कि नहीं मुझे सीखनी है ये भाषा, तो कोई भी नहीं रोक सकता आपको इस भाषा को सीखने के, क्योंकि ये भाषा इधर उधर नहीं आपके पास पड़ी हुई है, आप उसको सिर्फ ढूंढना है और सीखना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि कोई भी भाषा सीखने के लिए आपको पहले आपका माइंड तैयार करना होता है कि मेरे आने वाले एक साल के अंदर में, दो साल के अंदर में मैं गोंडी बोलने लगूंगा। ये पहले अपना माइंडसेट बना लो, नहीं तो ये वीडियो देखने का कोई अर्थ नहीं बनेगा। माइंडसेट बना लो कि मुझे ये सीखना है। सीखना कैसे शुरू कर सकते हैं, जैसे कि आप छोटे थे, आपको आपकी जो प्रादेशिक भाषा है समझ लो आपकी भाषा मराठी थी या हिंदी थी, इसको आप बचपन से कैसे सीखते आए हो, आपने लोगों का अनुकरण किया, लोग कैसे बात करते हैं। हाँ, खाना को खाना बोलते हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे खाना बोलने लगा। ये जो भाषा आती है ये व्यवहार से ज्यादा आती, किताबों से बहुत कम आप सीख सकते हैं। तो इसलिए जो मैं किताबों का ज्ञान खुद से ले रहा हूं वो आपको भी दे रहा हूं, लेकिन वो अलग तरीके से दे रहा हूं, क्योंकि किताबों का रटा रटाया ज्ञान मैं आपको बताते जाऊंगा तो वो भी आप ऐसे ही कर देंगे कि एक स्टूडेंट को होमवर्क करना है और उसी तरह से आपको करना है, बिल्कुल नहीं। आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बता के जा रहा हूँ जिसको आप अभी गोंडी सीखने शुरू करने से एंड तक आपको ये करते रहना है। पहली बात तो मैंने जब ये सोचा कि मैं जब आपको गोंडी सिखा रहा हूं तो कुछ ऐसे शब्दार्थ हैं जो मेरे माइंड में आते हैं, मैं समझ जाता हूँ लेकिन आपको बता नहीं पाता, और एक वर्ड के लिए उतना बड़ा वीडियो नहीं बन सकता। वीडियो के पीछे क्या है, रिकॉर्ड करना है, उसके बाद एडिट करना है, एडिट करने के बाद आपको देना है, तो ये सभी लंबी प्रोसेस है। तो एक छोटी प्रोसेस भी है, ये छोटी प्रोसेस ये है कि अलाइव ब्रेथ का एक टेलीग्राम अकाउंट भी है, जिसे टेलीग्राम चैनल आप कह सकते हो। आप टेलीग्राम एप्स डाउनलोड करिए अपने मोबाइल में और उसके बाद अलाइव ब्रेथ नाम डाल दीजिए, एक बड़ा मेरा डीपी वाला पेज आ जाएगा, उसको जाइए और ज्वाइन करिए। पहले वहां पे आप ज्यादा संख्या बना दिए, क्योंकि आज से इस वक्त से मैं वहां पे गोंडी शब्दार्थ धीरे धीरे डालते जाऊंगा। वीडियो तो आपको देखना है कंटिन्यूसली कि वीडियो चार दिन के या पांच दिन के अंतराल में ये वीडियो आ जाएगा, तो वीडियो आपको पूरा देखना है, मैं कोर्स क्या बताता हूँ वो सीखना है। लेकिन छोटे मोटे जो चीजें होती है, छोटे मोटे जो वर्ड्स होते हैं जो कि इंटरेस्टिंग है, आप डेली सुनते हो लेकिन पता ही नहीं कि ये गोंडी है, ऐसी चीजों के लिए आपको टेलीग्राम का जो चैनल है उसको आपको फॉलो करके रखना है। वहां पे मैं पीडीएफ्स, फोटोज, वैसे मैं जानकारी वहां पे देते रहूंगा, तो आपको जाना है और टेलीग्राम डाउनलोड करना है, उसके पहले ये वीडियो देखना है। जो कोई भी भाषा होती है वो भाषा सीखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए उसका वर्ड क्या है, यानी कोई भी भाषा अक्षर शब्दों से बनती है और ये शब्द अक्सर हम बोल देते हैं। मैं भी अपने वीडियो में जो गोंडी शब्द मालूम हुआ उसको और ज्यादा रटता हूँ, वीडियो में बताते चलता हूँ, वो मेरे भी दिमाग में फिट हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ वर्ड है जिसको आप सुन के बड़ा ही मजा आ जाएगा। उसके पहले एक और होमवर्क आपको देता हूं, ये होमवर्क नहीं है, ये समझ लीजिए आपके आपको दिया हुआ काम है सीखने के लिए। ये कैसा, गोंडी आज सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप चकराइए मत, नहीं नहीं वो सिखाते हैं वैसा नहीं है, गोंडी आज सोशल मीडिया पे अवेलेबल है जिसको आपको सीखना है ढूंढना है। तो कैसे करेंगे, गोंडी आज गानों के मार्फत YouTube पे अवेलेबल है, चाहे कोई भी चैनल हो अपना ही चैनल है, चाहे कोई भी चैनल हो अपना ही चैनल है, जो गोंडी बात करता है, गोंडी गाने हैं वो अपना चैनल है। तो आपको क्या करना है, आप जो फालतू के वीडियो देखते हुए बिस्तर पे लेटते हो तब आपको एक ध्यास करना है कि नए नए गोंडी गाने आपको सुनने हैं, जो भी नए नए अपलोड होते हैं पूरे गोंडी गाने हैं उसको आप हेडफोन लगा के सुनो, या घर के टीवी पे लगा दो, या लैपटॉप पे लगा दो, कहीं पे भी लगा दो। मेन एम क्या है, अभी आपको उस गाने के डांस पे फोकस नहीं करना है, आपको गाने के वर्ड पे फोकस करना है, शब्दों पे फोकस करना है कि क्या बोलता है वो गाना,
एक लड़का लड़की को क्या बता रहा है और लड़की लड़के को क्या बता रही है नाचते नाचते। अभी आपको रिसर्च करना शुरू कर देना है। ढेम सा येंदले वरानी में ये गाना बड़ा फेमस है, 3 मिलियन के आसपास उसके व्यूज चले गए हैं, बहुत सारे लोग उसको जानते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि इसका अर्थ क्या होता है। जंगो ढेम सा येंदले वरानी में, ढेम सा येंदले वरानी में। इसके भी पहले एक प्राचीन गाना था, रोन दो है ना दादा रोन दो है ना रो, बहुत लोगों ने सुना है। मेरे ख्याल से जो गुंडी आदमी है वो तो सुन ही चुका है इसको, रोन दो है ना दादा रोन दो है ना रो, सात अवाड़ी थे रोन दो है ना। ये देखिए, रोन माने घर, दोहे ना दादा बांध के देना, तो ये मतलब क्या कर रहा है, ये बच्चा बोल क्या रहा है कि दादा को क्या बोल रहा है कि मुझे घर बांध के दीजिए। तो ऐसे चीजें जब आपके सामने निकल के आएगी तो हा, अरे यार इसका तो ये अर्थ निकलता है, बड़ा मजा आता है। तो धीरे धीरे हम वर्ड की तरफ चलेंगे, धीरे धीरे हम व्याकरण, मैंने सबसे पहले क्यों नहीं लिया पता है, ये सबसे बड़ा जटिल काम है और इसको समझना है तो आपके पास थोड़ी शब्दों की जमा पूंजी होना आवश्यक है। आज हम अंग्रेजी, मैं कहता हूं मैं अंग्रेजी नहीं बोलता लेकिन मैं बोलता हूं क्योंकि मेरे बोलने में बट आ गया, एक एक अंग्रेजी का वर्ड आ गया, वर्ड ये भी अंग्रेजी है। तो हम क्या करते हैं, हम रोजमर्रा के जीवन में जो सुनते हैं जो अडॉप्ट करते हैं वो दिमाग में जहन में रहता है। आज से हमें गोंडी अडॉप्ट करनी है, तो जो YouTube पे अवेलेबल है गोंडी गाने उसको ज्यादा मात्रा में सुनिए। तो ये सब चीजें आपको सुनते रहना है, धीरे 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 आप में वर्ड आ जाएंगे। फिर कहेंगे सर हम तो गाना सुनेंगे लेकिन हमको पता नहीं है। देखिए गोंडी शब्द का जो, गोंडी कितने प्रकार की बोली जाती है, सबसे बड़ा सवाल आपका। आदिलाबाद में जो गोंडी बोली जाती है वो महाराष्ट्र से थोड़ी छटा अलग है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली क्षेत्र में जो गोंडी बोली जाती है वो अलग क्षेत्र से थोड़ी डिफरेंट है। छत्तीसगढ़ में जो बोली जाती है वो थोड़ा डिफरेंट है। आप नागपुर से रामटेक की तरफ देखेंगे सिवनी क्षेत्र में, वहां पे गोंडी का थोड़ी छटा अलग है। ऐसे आप अगर ढूंढने जाएंगे तो आपसे 20 से 22 छटा आपको गोंडी के मिल जाएंगे। उड़ीसा में जो गोंडी बोली जाते हैं, सिरोंचा साइड में गोंडी अलग बोली जाती है। इस गोंडी के अलग अलग शब्दार्थ आते हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूं तो एक शब्द को लेकर 20 या 30 वर्ड तैयार है गोंडी में। इतनी जटिल और इतनी बृहद और इतनी संपन्न गोंडी है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म को, इस भाषा को आगे लाने वाले इंसान नहीं है। तुरमल के मोतीरावन कंगाली साहब जी, ऐसे टीकाम जी, ऐसे कुछ चुनिंदा लोग जिन्होंने ये प्रयास किया कि गोंडी को अलग प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। और गोंडी से हड़प्पा सभ्यता की लैंग्वेज पढ़ी गई है, और मैं आपको क्या बता दूं कितनी प्राचीन गोंडी है। तो इस गोंडी को सीखने के लिए हमें वैसा माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा। देखिए र ड और ड, तीन शब्दों को ध्यान से देखिए आप, र ड और ड, यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग यूज होता है। हम मुंद सूल सर्री कहते हैं, सर्री यानी रास्ता होता है, इसमें स आ गया। लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर कांकेर क्षेत्र में आप जाएंगे तो स ह बन जाता है, जो स होता है सर्री जो हो गया वो उधर जाके हर्री बन गया, स के जगह ह आ गया। जैसे कि हम लोग यहाँ पे पेड़ को मरा बोलते हैं, मरा गांव की तरफ से लैंग्वेज आती है, वो ड को र उच्चार में करते हैं, एक्चुअली वो किताबों में मड़ा है, मड़ा यानी पेड़ है, लेकिन वो गांव की लैंग्वेज की तरफ ड र बन जाता है और वो मरा बन जाता है। तो ऐसे थोड़े बहुत आप विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे आप गाना सुनेंगे तो हिक्के वड़ा इधर आओ, तो वड़ा यानी इधर, वड़ा मतलब आओ, तो इधर के गोंडी में आप सुनेंगे उसको ही तो वरा बोलते, ढेम सा येंदले वरानी में, मेरे पास आओ इधर आओ, नीमे वरा, वरा मतलब आओ। तो ये क्या हो गया, आप अगर बाकी, मैं जितने क्षेत्रों में गोंडी को खोज कर रहा हूं, मैं और सलामी जी, हम जितने क्षेत्र में घूम रहे हैं उसमें ये चीजें हमें मिलती है, ड र बन जाता है या ड बन जाता है, स ह बन जाता है, लेकिन आप वर्ड का मेन अर्थ को टारगेट करना है, ये क्या चीज है। चलिए आज के वीडियो में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड बताने वाला हूँ। वो वर्ड सिमिलर नहीं है, अपोजिट है। जी हाँ दोस्तों, और ये अपोजिट वर्ड आपके सामने जब आप सुनेंगे तो आपको ये लगे अरे ये तो रोजमर्रा की बातें हैं, हम बहुत सारे यूज करते हैं। तो चलिए जर्नी पर चलते हैं, आज देखते हैं अपोजिट वर्ड।
कि आपने कहा कि वेड़ची या वेरची को प्रकाश बोलते हैं तो शिकाटी को हम अंधेरा बोलते हैं। आप जैसे मैं आ गया, इन हो गया, एक घर में आ गया, इन हो गया यानी आ गया अंदर। अंदर को गोंडी में क्या बोलेंगे? अंदर, हमें यह बोलना है कि अंदर है, तो गोंडी में क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं रप्पो। जी हाँ दोस्तों, इसको बोलते हैं रप्पो। और बाहर को बोलेंगे बाहडो। आप याद रखिए, मैं विरुद्धार्थी यानी हमारे अपोजिट वर्ड आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसमें एक चीज के विपरीत शब्द को आपको बता रहा हूं। वेरची को बोलते हैं प्रकाश और अंधेरे को बोलते हैं शिकाटी। अंदर ऐसा वर्ड लगाना है आपको तो उसको बोलेंगे रप्पो, और बाहर को बोलेंगे बाहडो। अर्ध, हम क्या करेंगे? अर्ध एक चीज है, अर्धी है, आधी है, तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे आदो। और पूरी चीज को बोलेंगे सैगो। इस एक को बोलेंगे आधो और दूसरी को बोलेंगे सैगो। ये अपोजिट वर्ड है, एक आधा है एक पूरा है, यानी पूरे चीज को सैगो बोलेंगे और आधे चीज को आधो बोलेंगे। कई कई बे जैसेवा की जगह पे सुई मोद वेड़ची ऐसा लिख के आता है। अभी मोद वेड़ची आपको पता है, तो सुई क्या है? तो सत्य और असत्य की अगर परिभाषा करेंगे हम अपोजिट साइड में, तो सत्य को बोला जाता है सुई, सूय, जो कि आपके सामने लिख के आ रहे हैं। सत्य को बोला जाता है सुई और असत्य को बोला जाता है इलसुई। ये सब चीजें हैं। अभी मैं हर एक वर्ड को समझाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। चलो मैं आपके सामने एक चार्ट रखता हूं, उस चार्ट को समझा के देखता हूं। किसी को जा बोलना है तो हम कहेंगे हन, और नहीं जाना है यानी मत जाना बोलना है तो हनमा कहेंगे। ये देखिए, अभी सिमिलर एक वर्ड आता है जिसमें लास्ट में मा जुड़ जाता है। तीन बोले तो खा, तीन का अर्थ निकलता है खा, और तीनमा का अर्थ निकलता है खाना नहीं है। वनक यानी बोल, या इसको वनक भी बोलते हैं, वंक भी बोलते हैं, और वंकमा मतलब होता है मत बोल। उद्दा, उद्दा यानी बैठो, उद्दा यानी बैठो। उद्मा, उद्मा यानी नहीं बैठना है। तो ये जो अपोजिट वर्ड है इसके तरफ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पोसा, पोसा मतलब होता है रुक। आप अगर गाड़ी चला रहे और आपको गाड़ी में बैठे और ड्राइवर को बोलना है रुको 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 रुको, तो आप बोलेंगे पोसा पोसा पोसा। रुक यानी ठहरो, रुको। और अगर आपको रुकना नहीं है तो इसका एक वर्ड बनता है पोसमा, रुको नहीं। पोसमा यानी रुको नहीं, लास्ट में मा लग रहा है। किम यानी करो, कर। किम यानी करो, ये किम, से किम, वो किम, ऐसे आपने सुना होगा। तो किम यानी कर, लेकिन मत करो बोलना है तो आपको कियमा, की मां, ऐसा आपको वर्ड लग जाएगा, तो वो हो जाएगा मत कर। उन यानी पी, अभी पानी पीना है तो पानी को येर बोलते हैं, अगर इसके सामने उन लगा दिए येर उन, तो ये हो गया कि पानी पी। लेकिन अगर उसको नहीं पी बोलना है तो ये उन मां, येर उन मां, पानी मत पी, समझ रहे आप, ऐसे वर्ड बन जाता है। गर्स, गर्स यानी खेल होता है। गरस ना बोलते हैं हम लोग, करस ना बोलते हैं, तो गर्स यह शब्द होता है खेल। और गर्स के लास्ट में थोड़ा सा मा आ गया तो गर्स मा हो गया, तो उसका अर्थ होता है नहीं खेलना। सोने को बोलते हैं सुंज। अगर मैंने आपके पास आया और बोला सुंज मा, तो सोना नहीं, लेकिन सुंज बोल दिया तो सोना है, यानी सुंज यानी सोना और सुंज माम यानी नहीं सोना। राग, राग आता है आपको, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, इसका एक वर्ड बनता है, वो वर्ड ये है रांगा। रांगा बोलते हैं, बहुत क्रोध में है तो ये रांगा है, ऐसा बोलते हैं। और गुस्सा नहीं करना है तो रांगम्मा, रांगमा, ऐसा वर्ड आता है। हंसने को कौवा बोलते हैं, जैसे कि हंसना है तो इस वर्ड को बोला जाता है कौवा, हंस। और हंसना नहीं, इस वर्ड के पीछे आप मां लगा दो तो क्या हो जाएगा? कौवम्मा। इसको आ बोल रहा है तो वाम यानी आ, वायमा मतलब मत्ता। येंदा, येंदा यानी नाचो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ढेम सा येंदले वारानी में, यह जो वर्ड आता है, तो
येंदा यानी नाचोए, यानी वो क्या बोल रहा है कि ढेमसा नाचने के लिए मेरे पास आओ। किस लड़की को इंगित कर रहा है? एक गायक, समझ रहे इसका अर्थ? तो येंदा यानी नाचो और येंदमा यानी मत नाचो। मैं ये माँ क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये वर्ड के जैसे माँ आ रहा है तो एक कर्म बदल जा रहा है, एक बोल रहा है आ जाओ, एक बोल रहा है नहीं आ जाओ। तो अपोजिट वर्ड में ये कैसे लागू होता है ये आपको मैं बता रहा हूं। वारा और वरा में फर्क है। वरा आने को बोल सकते हैं, वरा 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 इधर आ जाओ, लेकिन वारा अगर वर्ड आ गया यानी व को एक काना लग गया और वारा बन गया, तो वारा मतलब होता है गाओ। जी हाँ दोस्तों, वारा 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 बोल दिए तो गाओ गाओ ऐसा होता है। तो इसके पीछे अगर मां लग गया तो वारमा, और वारमा का मतलब होता है मत गाओ। किसी को मारना है, मार ऐसा बोलेंगे। तो इसका गोंडी में वर्ड है जिम, जिम जिम मार मार जिम जिम। इसका अगर इसके पीछे मां लगता है तो जिम्मा नहीं होता, जियमा होता है। जियमा मतलब मत मारो। अटाट, वाटाट यानी मतलब डालो, डालो। डालने को क्या बोलेंगे? वाटाट, वाटाट यानी डालो, और वाटमा यानी मत डालो। ये जो वर्ड आया है सिम, दे, देने को क्या बोलेंगे आप? तो दे बोलने के लिए सिम बोलना पड़ेगा। नहीं देना है आपको, ये बोलना है कि मत दे, तो सीमा बोल देना है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि मैंने ये जो अपोजिट वर्ड लेने का कारण क्या था, मैं कुछ भी आपको बताने, व्याकरण भी बता सकता था और कुछ, लेकिन मैंने अपोजिट वर्ड क्यों लिए, ये आपके एरिया में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। देना, डालना, लेना, गुस्सा, क्रोध, ये शब्द मैंने क्यों लिए यहाँ पे पता है? ज्यादा ज्यादा यही तो यूज होता है। तो आपको क्या करना है, अभी इसकी एक सूची बनानी है, मैं तो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, लेकिन आपको वो चार्ट जो है उसको आगे रखना है, और फिर डेली आपको ये रटना है। सिम यानी दे होता है, वारा यानी गाओ होता है, तो वड़ा यानी आ होता है। ये सब चीजें आपको लिख लिख के एक बुक्स में डालना है और डेली इसको देखना है, और हो सके जितना ज्यादा हो सके इस वर्ड का आप अपने दैनंदिन जीवन शैली में इस्तेमाल करो। और गोंडी गाना चाहे कोई भी चैनल हो, वो सब अपने सब गाने सुनो, जिस गाने में इंटरेस्ट आ रहा है गाने को स्टॉप करो, वर्ड लिख लो, और फिर टेलीग्राम चैनल पे या मुझे मेल करो, सर इसका मतलब क्या होता है, या फिर सलामी जी का आपके पास नंबर है तो उनको व्हाट्सअप करिए, सर जी इसका मतलब क्या होता है। जब तक उसका मतलब नहीं मिलता रुको मत, क्योंकि ऐसे ही गुंडी सीखी जाती है। जब तक कि आपके दिमाग में चिकित्सक बुद्धि नहीं आती आप सीख नहीं पाएंगे। तो ढूंढो, समझो, सीखो, पढ़ो। तो चलिए, ये जो मैंने आपको कोर्स दिया है, या आने वाले 3-4 दिन में या 5 दिन में जो भी वीडियो मेरा अगले बार डालेगा, उसके पहले ये आपको सब दिमाग में होना चाहिए कि डालने को क्या बोलते हैं, निकालने को क्या बोलते हैं। ये सब चीजें जो मैंने बताई हैं, जो सुई याने क्या है और इल सुई याने क्या होता है, ये सब चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। अभी आपको यही काम है, वीडियो देखने के बाद इसके चार्ट टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करो, और वहां पे अपने गैलरी में लेकर उसको एक चार्ट बनाओ या फिर एक बुक बनाओ, और उसमें लिखते जाओ और समझते जाओ। क्योंकि मैं कुछ 10-12 वीडियो होने के बाद आपसे सवाल का एक लाइव करूंगा, और आपसे फिर मैंने जो पढ़ाया है वो लाइव में सवाल करूंगा, तो आपको जवाब आना चाहिए। तो चलिए ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, मिलता हूं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय द्वसी, जय गुणवाना, जय भेद।